हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिवेशगिरी क्लासेस। आज बच्चों मैं आपको डिसोल्यूशन का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। हम डिसोल्यूशन के दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम थर्ड लेक्चर करेंगे जिसमें आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। तो आओ बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन। बच्चों सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जितने भी हमारे बैलेंस शीट में एसेट होते हैं, सारे एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो उस टॉपिक को जो वो जो ट्रांसफर करा उसको बोलते हैं हमारी जो फर्स्ट एंट्री पास होगी। बच्चों देखो, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट, एसेट को क्लोज करना, तो हमने एंट्री क्या पास करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके बच्चों, इस एसेट अकाउंट का मतलब क्या होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अदर देन, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, अदर देन कैश या बैंक। मतलब हम कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी एसेट होगी उन सबको उठा के यहां पर लिख देंगे। ओके, सेकंड बेटा, सेकंड जर्नल एंट्री हमारी ये पास होगी। बच्चों हमने देखा है कि डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट होता है, तो वो जो प्रोविजन अगेंस्ट एसेट होती है तो उसको भी हमें ट्रांसफर करना होता है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखो। तो यहां पर लिख रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एसेट, कि जो भी उसके अगेंस्ट बनी हुई है एसेट के, उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। तब बेटा हम एंट्री पास करेंगे प्रोविजन, मैं बेटा इसका नाम लिख रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो ज्यादातर दिखता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, अपने एसेट को क्लोज कर लिया और मैंने उन प्रोविजन को ट्रांसफर कर जो इस एसेट के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो बच्चों थर्ड लिखते हैं, सेम फॉर क्लोजिंग ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी को भी क्लोज करना। तो लगभग मैं लाइबिलिटीज के नाम लिख देता हूँ, जो जो लाइबिलिटी ज़्यादातर दिखती है तो देख लेते हैं। तो मैंने बोला सुंदरी क्रेडिटर, बेटा आप सुंदरी नहीं संदरी बोलना, मैंने बोला सुंदरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये मोटी मोटी बातें लिखवा दी मैंने। प्लस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अदर लाइबिलिटीज, और भी कोई लाइबिलिटीज दिख जाए, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके बच्चों, ये हमने जर्नल एंट्री पास कर ली। बेटा यहां पर जितनी भी लाइबिलिटी है मैं इसके सामने एक लिख रहा हूं, अदर देन पार्टनर्स लोन, अदर देन पार्टनर लोन, जो पार्टनर के लोन को छोड़कर हम सारी लायबिलिटी को कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक बच्चों बात समझ आएगी, आओ बच्चों आगे बढ़ते। हमने बेटा इसके बाद देखा कि कुछ रिजर्व होते हैं और कुछ फिक्टिशियस एसेट होते हैं, उन फिक्टिशियस एसेट और रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मतलब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ट्रांसफर ऑल फिक्टिशियस एसेट, मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा फिक्टिशियस एसेट, जैसे मैं लिख लेता हूं यहां पर पी एंड एल अकाउंट, अगर ये लॉस हो, और बेटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, एक्यूमुलेटेड
लॉस पूरा लिख देते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बेटा, हम इन और भी दो तीन चीजें हो जाएगी तो हम बेटा इनको कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो कहां ट्रांसफर करें, वी शुड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कहां पर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसकी एंट्री क्या पास होगी वो देखते हैं फटाफट। हमने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके बच्चों। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में, मतलब उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, सारे फिक्टिशियस एसेट को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट बेटा, फिर रिजर्व्स आते हैं कुछ, ट्रांसफर रिजर्व्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। मैंने बच्चों यहां पर रिजर्व्स लिखा, देखना ध्यान से, मैं एग्जाम में हमने या हमने क्वेश्चंस में तीन टाइप के रिजर्व्स पहले भी नजर आए हैं हमें, वो तीन टाइप के रिजर्व्स लिख रहे हो, ध्यान से देखो बेटा। एक तो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व, ओके बच्चों। बेटा एक होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है बच्चों। बेटा एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है बेटा। ये तीन रिजर्व मैंने बात कर ली बेटा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी इस रिजर्व की बात नहीं कर रहा, मैं अभी इस रिजर्व की बात नहीं कर रहा, क्यों सर? बेटा इन दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इसके लिए मैं इसका नेक्स्ट जो होगा उसमें दिखाता हूं, मैं नेक्स्ट जनरल एंट्री में पास करके दिखाऊंगा इसकी कैसे ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो ये अगर जनरल रिजर्व नजर है तो क्या करेंगे, सेम बच्चों इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसके बीच में, पार्टनर्स कैपिटल के बीच में। तो हमारी वहां पर एंट्री क्या बन जाएगी देखते हैं बेटा, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, छोटी सी बात देखना, मैं यहां पर एक बैलेंस शीट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। इस बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो किसके लिए क्रिएट होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट होती है। तो मैंने यहां पर एसेट साइड में क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट, और लायबिलिटी साइड में क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा हम कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके ऊपर क्रिएट हुई है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्रिएट हुई है, बात को समझे। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्रिएट हुई है तो सर क्या एंट्री पास करेंगे, बेटा कुछ नहीं, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। मैं बेटा यहां पर इनकी जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फर्स्ट जनरल एंट्री मेरी इसकी हो जाएगी, सारे एसेट को रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो मतलब सेम कंसेप्ट, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने यहां लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, समझे बेटा मेरी बात को, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इसके ऊपर क्रिएट हुआ है, तो मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूं, होता नहीं है ऐसा, ट्रीट करके देख लेते हैं कि शायद प्रोविजन अगेंस्ट एसेट है, ये क्या है, प्रोविजन अगेंस्ट एसेट है, कि एसेट के ऊपर ही बना है, तो इसको भी कहां ट्रांसफर कर देंगे हम। मैं यहां पर इसकी सेकेंड एंट्री पास कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मैंने आई एफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख दिया, मैं इसको रिजर्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है, रिजर्व अकाउंट
डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बच्चों, यहां पर ये रिजर्व की बात खत्म हुई। तो हमने क्या क्या कर लिया सर? हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। इसका फंडा क्या है? इसका फंडा भी अब समझते हैं, ठीक है? तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं बेटा ये हटा रहा हूं। तो बेटा आओ हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन की बात। मैं बेटा इसको शॉर्ट एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां लिख रहा हूं केस फर्स्ट, ये बैलेंस शीट है, यहां पर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं WCR के नाम से दिखा रहा हूं, और यहां लिखा है बेटा 100 रुपए, यहां पर लिखा है 100 रुपए, ठीक है? और यहां लिखा है इफ There is no information, बेटा बात को देखो और सुनो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है पहले वो समझते हैं। बेटा जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उनको बाद में कुछ कंपनसेट करना पड़े, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, और वो हमसे पैसे मांगने आए, कंपनसेट करना पड़े, तो उसके नाम के लिए हम रिजर्व बना के रख देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, उनको चोट ही नहीं लगी, इन केस में क्या हुआ, चोट लगी नहीं, तो रिजर्व का पैसा क्या हो गया, फ्री हो गया, इसके ऊपर अब कोई भी लायबिलिटी नहीं बची। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, जिससे पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो हमने एंट्री क्या पास करी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात को समझे बेटा? तो यहां पर अगर पार्टनर ए भी पकड़ लेते हैं, हम पार्टनर ए भी मान लेते हैं कि एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, दोनों की रेशियो इक्वल है, तो जो 100 रुपए होंगे वो दोनों में बढ़ जाएंगे 10 रुपए 10 रुपए। बात को समझे? ये बेटा केस फर्स्ट था। आओ केस टू की तरफ बढ़ते हैं। अब हम मैं अब इसकी बात कर रहा हूं। ओके, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हम। केस टू, मैंने बोला अगेन मैं एक बैलेंस शीट उठा ली बेटा मैंने, और मैंने बोला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां पर भी बेटा 100 रुपए का ही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन बट यहां पर लिख रहा हूं इफ क्लेम ऑन वर्कमैन, क्या क्लेम ना, लायबिलिटी लिख देते हैं हम, और ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, कि लायबिलिटी ऑन वर्क मैन कंपनसेशन, जो भी कंपनसेशन की लायबिलिटी हुई बेटा, लायबिलिटी हुई सिर्फ 30 रुपए की। कितने की हुई लायबिलिटी? सिर्फ 30 रुपए की लायबिलिटी हुई। तो मतलब लायबिलिटी मेरी हो गई ना, लायबिलिटी मेरे पास आ चुकी है, उस लायबिलिटी की कहानी क्या होगी? अब लायबिलिटी अराइज हो गई तो मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सारी लायबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं याद होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने क्या किया बेटा, फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर द लायबिलिटी इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके बेटा, 100 में से 30 तो लायबिलिटी हो गई, रिमेनिंग कितना बच गया, 70 रुपीज, क्या उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है? सर नहीं है। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो हमने यहां पर क्या किया, सेकंड एंट्री पास करी। सेकंड एंट्री पास करते हैं बच्चों, सेकंड एंट्री मेरी हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हमने बोला ए और बी पार्टनर है, कितने का, 70 रुपए का, दोनों में आधा आधा बढ़ गया 35 और 35। बात समझ आई? ठीक है सर, आपने और कुछ बताया? हाँ बेटा और भी सुनो, ये जो वर्कमैन हमने जो ट्रांसफर किया है, हमें इसको पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारी लायबिलिटी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं आगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं। हमने क्या किया, ये जो लायबिलिटी थी इसका थर्ड एंट्री मैं यहां लिख रहा हूं,
पे करने की एंट्री है बेटा, पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए पे करने हमें, 30 रुपए, हमने 30 रुपए पे कर दिए, हमने पहले लायबिलिटी अराइज करी, अब हमने क्या कर दिया 30 रुपीज को पेमेंट कर दिया। ओके, अब मैं ले रहा हूं बेटा केस नंबर थर्ड, ध्यान से समझना बेटा, कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। केस थर्ड, अगेन मैं बेटा एक बैलेंस शीट बना रहा हूं जिसमें वर्कमैन कंपनशन रिजर्व है मेरा 100 रुपए का, ठीक है, और लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹100 बेटा, 100 रुपए की लायबिलिटी है, तो क्या करेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात है, 100 रुपए की लायबिलिटी है मतलब बचा कुछ नहीं, तो ठीक है, तो हमने इसे क्या कर लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में 100 रुपए की लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी और फिर क्या कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने 100 रुपए की पेमेंट कर दी। बात को समझे बेटा, समझे बेटा मेरी बात। ओके, आओ बच्चों एक और केस करते हैं। सर आप केस पे केस करवाओ बेटा, तभी बात समझ आएगी, तभी बातें समझ आएगी, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा तभी बातें समझ आएगी। बैलेंस शीट, मैंने अगेन एक बैलेंस शीट बनाई, फिर वर्कमैन कमीशन रिजर्व कितना है उसमें, 100 रुपए है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹120 बेटा, लायबिलिटी कितने की है, 120 रुपए की लायबिलिटी है सर, रिजर्व 100 रुपए की, 120 की लायबिलिटी, तो क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू ट्रांसफर फुल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हमने एंट्री पास करी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमने पूरे का पूरा ट्रांसफर कर दिया बेटा, पेमेंट कितनी करेंगे इसकी सर, 120 रुपए, यस बेटा 120 रुपए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये बात समझ नहीं आई बेटा, बात को समझाता हूं तब समझ आएगी, देखो ध्यान से, हमने बोला मेरी लायबिलिटी 100 की थी, मेरी लायबिलिटी कितने की थी, 100 की थी, मांग ली 120, तो क्या हो गया, 100 की चीज 120 देने पड़ेंगे, शायद लग गया मुझे नहीं पता, तो यहां पर भी वही बात करी हमने, 100 रुपए का बना रखा था हमने, लेकिन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 120 की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैंने 100 को क्या कर दिया, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और पेमेंट कितनी कर दी, 120 रुपए की पेमेंट कर दी। बात समझ आई, ठीक है एक और केस करते हैं। सर आप केस पे केस करवाए जरा, आओ ना बच्चों एक और केस पढ़ लेते हैं, मैं यहां पर कर रहा हूं, मैं काम करता हूं, अब बेटा कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, रिजर्व नहीं है, यस बेटा आपने सही सुना, नो रिजर्व, बट जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन ₹100, तो बेटा क्या करेंगे सर, ट्रांसफर, बेटा जब रिजर्व नहीं है ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, हम इसको नाम दे सकते हैं अनरिकॉर्डेड, क्या नाम दे सकते हैं, अनरिकॉर्डेड, शायद ये था ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, अचानक से लायबिलिटी आ गई लेकिन हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसकी हम सिंपल सी एक एंट्री पास कर देंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 100 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ आ गई मेरी बात, क्लियर पॉइंट, तो हमने कितनी जल्दी एंट्री पढ़ ली, यहां पर हमने पहले ट्रांसफर किया एसेट को, हमने फिर प्रोविजन को ट्रांसफर किया, हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर किया, रिजर्व को ट्रांसफर किया, और हमने ये रिजर्व की कहानी सुनी कि तीन टाइप के रिजर्व देखे हमने यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जनरल रिजर्व, तीनों की कहानी समझ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा बारी आती है, हमें बेटा पेमेंट करनी है, हमें इसमें काम क्या है, जितनी भी एसेट है उसको बेच दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे सेल आउट कर दो, ठीक है, और उस सेल आउट के मनी से क्या करना है, जितने भी लायबिलिटी है हमारी उन सब की पेमेंट करनी है।
सर कितने पेमेंट करनी है? बेटा एज पर क्वेश्चन नहीं, वो तो है ही है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला पेमेंट करने के लिए, वी शुड पे ऑल द लायबिलिटी, हमें सारी लायबिलिटी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले। ठीक है, बात समझ आई? आओ हम देखते हैं उसको। तो मैं यहां पर बना रहा हूं पे नहीं, हमारा था सेल, हम सेल कर रहे हैं। रियलाइज अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। तो बेटा सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे ऑफ टू ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको पेमेंट करो। तो बेटा पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? सर पेमेंट किस किस को करना, सारी लाइबिलिटी? हाँ बेटा, किस किस को नहीं करते हैं पेमेंट, हम किस किस की पेमेंट नहीं करते हैं, लिख लो बेटा चाहे इसको ध्यान से। हम प्रोविजन की पेमेंट नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बनता है। ठीक है बेटा, एक और लाइबिलिटी है वो भी लिख देता हूँ, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, हम इसकी भी पेमेंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। ये तीन चीज़ें ऐसी है जिनकी हम पेमेंट नहीं करते, क्योंकि ये एक तरीके से लाइबिलिटी होती ही नहीं है, हम इसको पेमेंट नहीं करते हैं। बात को समझे मेरी बात? ठीक है, तो पेमेंट किसकी करेंगे? अदर देन, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और किसकी पेमेंट कर सकते हैं? बिल्स पेबल। और किसकी पेमेंट कर सकते हैं? कोई लोन हुआ तो पेमेंट कर दे तो फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने यहां पर इसकी पेमेंट कर दी। बात को समझे बेटा, क्लियर होगी बात? यहां पर हमने क्या कर दिया, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। इसके बाद जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट लॉस आ जाता है। ठीक है, मतलब रिलेशन अकाउंट जो डेबिट में है और जो क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट से माइनस कर देना इसके अंदर ही, जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ थोड़ा सा और पढ़ते हैं, मैं वहां लिख देता हूं, मैं बेटा इस पॉइंट को हटा देता हूं यहां से। बेटा कुछ ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और एसेट होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। अनरिकॉर्डेड एसेट का पता नहीं है, हमारे पास कोई टाइपराइटर पड़ा था, जब बिजनेस बंद करने लगे टाइपराइटर सामने से निकल आया और हमने उसको तो ट्रांसफर करा नहीं था रिलेशन अकाउंट में, और हमें पता ही नहीं तो कहां से करेंगे, जब बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ तो इसको बेचना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता, बेचेंगे पैसा आएगा, बस वही कहानी लिखी थी। हमने इसको बेच दिया, पैसा मिल गया, एंट्री पास कर दी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, जो भी अमाउंट लिखा होगा बेटा, ऐसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है उसको पे करना ही पड़ता है बेटा, वी शुड पे इट। अभी मैंने क्या बोला, पता है नहीं पता, लायबिलिटी के बारे में पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर इसकी पेमेंट कर दी। क्लियर पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट बेटा कुछ रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होता है। अगर कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा, अगर कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा
जिसको हम वाइंडिंग अप भी बोल, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंड करने मतलब कि बंद करने पे कुछ खर्चे आए, वाइंडिंग अप के एक्सपेंस आए, तब क्या एंट्री पास होगी। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री, इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री है बेटा ये सबसे। इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, हम उसको पढ़ेंगे। मैं अभी बस इसके लिए छोटा सा एक बात बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात। खर्चा है, हमने कहा रियलाइजेशन, अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सिंपल सी बात होगी, ये सिंपल हो गया बहुत। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, हमें उसको पढ़ना है। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम रिलेशन एक्सपेंस के जनरल एंट्री के साथ, ठीक है। और जब ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी इसकी, तब उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।